हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ाया था। आज हम विभिन्न समाज के हमारे भारत में पाए जाने वाले विभिन्न समाज के त्योहारों के बारे में आगे बताने वाली हूँ। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुस्लिम समाज के त्यौहार। तो मुस्लिम समाज के प्रवर्तक यानी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक आपको पता ही है, हजरत मोहम्मद साहब थे, ठीक है। तो इसके जो मुस्लिम समाज के जो त्यौहार होते हैं उनके त्यौहारों की लिस्ट में आगे बढ़ते हुए फर्स्ट है मुहर्रम। मुहर्रम में आपको ऐसे याद करना है, मुहर्रम म और म, तो म से क्या है मामा, तो मामा के जो बहन के लड़के होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नवासा। तो उनके नवासे कौन से, हजरत इमाम हुसैन। उसमें भी दो बार मामा आ रहा है तो म और म, तो इस तरह से आप उसका नाम याद कर सकते हैं। इमाम और मामा से आपको नवासे याद हो सकते हैं, ठीक है। और इसके जो महीना है, जो मुहर्रम जिस महीने में मनाया जाता है उस महीने का नाम है मुहर्रम उल हराम। तो मुहर्रम से मुहर्रम हो जाएगा, उल आपको याद करना है, हराम लास्ट का हरम, तो आपको हराम माह याद करना है तो हरम से आप हराम माह याद कर सकते हो। तो अब कैसे, जो मुहर्रम फेस्टिवल है ये हिजरी सन का पहला महीना है, ठीक है। मुहर्रम है जो हिजरी सन का पहला महीना है। अब इसमें क्या है, इस माह में हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत में मनाया जाता है। तो मोहम्मद साहब थे उनके कौन थे, नवासे मामा, तो उनसे इमाम हुसैन, इमाम में माम हुसैन की मनाया जाता है। मुहर्रम उल हराम कौन सा मंथ है, मुहूर्त उल हराम, हराम से हरम मुहर्रम आ ही रहा है, तो हरम एक बेसिकली लास्ट के वर्ड को याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा हराम, हरम से हराम माह की 10वीं तारीख को मुहर्रम मनाया जाता है। इस दिन क्या निकाला है, तजिए निकाले जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे ईद उल मिलादुलनबी। तो जब भी किसी का बर्थडे होता है या फिर कुछ हम किसी से कुछ फेस्टिवल होता है तो हम लोगों से मिलते जुलते हैं। तो इस दिन क्या था, मोहम्मद साहब का बर्थडे था, ठीक है। तो मोहम्मद साहब के बर्थडे में उन्होंने क्या किया, अपने बस आसपास के लोग होते हैं ना घर वाले, के लिए सिर्फ 12 लोगों को ही बुलाया। कितने, सिर्फ 12 लोगों को। तो देख लेते हैं ईद उल मिलादुलनबी, मिलादुलनबी जो उनका बर्थडे था इसलिए वो मिलते थे, तो मिलादुलनबी से बर्थडे याद हो जाएगा, इसको हम 12वां भी बोलते हैं। तो पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, ठीक है। और जो मोहम्मद साहब थे वो अपने मुस्लिम समाज में सबसे अव्वल थे, ठीक है, सब उनके ज्यादा वो करते थे, फरियाद करते थे, तो मोहम्मद साहब अपने समाज में सबसे अव्वल नंबर पे थे। तो इसका मंथ अपन को अव्वल से याद करें, रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख, 12 तारीख उन्होंने कितना अपने घर परिवार के सिर्फ 12 लोगों को बुलाया, तो सिर्फ 12 तारीख को हो गया, ठीक है। और उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ, ठीक है। तो ईद उल मिलाद उल नबी मिलते जुलते किसमें, बर्थडे के टाइम पे पैगम हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन था और जो अपने समाज के सबसे अव्वल थे, तो रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख उन्होंने कितने लोगों को बुलाया अपने घर के, 12 लोगों को बुलाया, तो 12वां तारीख को, ठीक है। उनका जन्म 500 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ। नेक्स्ट है ईद उल फितर। फितर से याद है ना फीका, जैसे अपन कुछ खाते हैं तो स्टेज से तो पता चलता है कि फीका है या क्या है, फितर। और इसे क्या, मीठी ईद। अब मीठी किससे होगी, जब उसमें शक्कर डालेंगे, मीठा तभी तो होगा जब उसमें शक्कर डालेंगे, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं, जो ईद उल फितर है उसको सवैयों की ईद भी कहते हैं, क्योंकि सवैया मनाई जाती है। तो ईद शब्द का अर्थ होता है खुशी या हर्ष, बोलते ना ईदी दो, मतलब अपनी हर्ष खुशी से सादत दो, ठीक है। अब इसमें क्या है, सब्बाल माह की पहली तारीख, सब्बाल माह की पहली तारीख, मतलब मैंने बोला मीठी, मीठा का वो हो जब शक्कर डालेंगे, शक्कर से सब्बाल माह की पहली तारीख को। अब जो सब्बाल माह की पहली तारीख, तो उसमें हम एक तरह से जो खाने की चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस दिन ऐसे याद कर लो कि इसमें क्या है, रमजान के पवित्र माह में 30 रोजे तक रोजे रखे जाते हैं, ठीक है। मतलब इस दिन क्या करते हैं कि रमजान का जो पवित्र महीना होता है इसमें 30 दिनों तक रोजे रखे जाते हैं। तो रोजे से आप गुलाब का फूल याद कर सकते हैं, तो इसमें गुलाब का फूल और जो मीठी ईद है, तो उस तरह से आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो रोज और रोज की भी बनती है ना, अपन खाते हैं गुलकंद वगैरह, तो उस तरह से, ठीक है। तो 30 रोजे मीठी ईद में शक्कर, शक्कर माह की पहली तारीख, रवि माह के 30 रोजे रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईद उल जुहा। ईद उल जुहा में आपको याद है जुआ, जुआ ऐसी नहीं जो जुई होती है ना बालों में, उस तरह से, ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्या है, नॉनवेज जैसे होता है जुआ, तो इसमें बकरों को मार, बकरों की कुर्बानी दी जाती है। तो कुर्बानी के त्यौहार है जो हजरत मोहम्मद द्वारा, हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की अल्लाह को, इस दिन क्या था कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने पुत्र की क्या दी, कुर्बानी दी। तो उनके पुत्र ने बोला कि नहीं, मैं अपने पिताजी के कहने पर हंसते हंसते यानी इस्माइल करते करते अल्लाह को कुर्बान हो जाऊंगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, कुर्बानी का त्यौहार है जो पैगंबर हजरत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हजरत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी दी गई। प्रतीक के रूप में आपको पता ही, इस दिन बकरी कुर्बानी दी जाती है और इस माह में हज होते हैं, ठीक है। किस, इसका जो उर्दू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जिलहिज माह की 10वीं तारीख को। 10 तारीख को क्या क्या मनाया जाता है, एक तो मुहर्रम मैंने बताया था, मुहर्रम से बताया था क्या था, मुहर्रम से मामा
पता ही हो गया कि हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की याद में 10 तारीख को मुहर्रम उल हराम आ रहा है, तो हराम 10वीं तारीख को, तो आपको ऐसे याद रखना चाहिए कि मुहर्रम में 10 तारीख को मनाया गया था। इस तरह से तो ईद उल जुहा जो बकरा ईद पिछले बोलते हैं वो भी जिलहिज माह की 10 तारीख को मनाएगा। तो जिलहिज से आपको लास्ट के वर्ड ऐसे कर सकते हो कि ईद उल जुहा, तो इसमें ज और ल आ रहा है, तो जिलहिज जिलहिज ईद उल जुहा और जिलहिज लज, और इसमें भी लज आ रहा है, तो ईद उल जुहा इसको ना जिलहिज माह की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सबे रात। सबे रात अब क्या है कि जैसे होता है ना कि कोई भी इंसान घूमने जाता है, लड़का लड़की आपस में घूमने जाते हैं, मैं इस तरीके से आपको याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, आप इस तरह से याद कर सकते हैं इसको, वरना ऐसा कोई मोटिव नहीं है। ये जैसे घूमने जाते हैं तो जैसे सब ज्यादातर लोग किसने 14 तारीख को घूमने जाते हैं, वैलेंटाइन डे सुना होगा ना, 14 फरवरी को घूमने जाते हैं, तो ठीक है इस तरह से आप 14 याद कर सकते हो। और जब घूमने जाते हैं तो इसे अब इसको आप सबे से आप सावन माह, उर्दू माह का सावन माह होता है ना, बारिश का मौसम होता है तो बहुत अच्छा मौसम हो जाता है तो हम सब घूमने चले जाते हैं, तो उस तरह से सावन माह की 14 तारीख को जाता है। तो इस दिन क्या था, जो मोहम्मद साहब थे वो भी मिलने गए, वो किससे मिलने गए, ईश्वर से मिलने गए थे। जैसे लोग अपने मित्रों से मिलने जाते हैं तो इस तरह से मोहम्मद साहब अपने ईश्वर से मिलने गए थे। तो सबे से सावन माह की 14वीं तारीख को, ठीक है, इस दिन मोहम्मद साहब के आकाश से ईश्वर से मुलाकात हुई, ईश्वर से मिलने गए थे मोहम्मद साहब। और इस दिन क्या करते हैं मुसलमान, अपने भूले पापों की माफी के लिए खुदा से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सबे कद्र। सबे कद्र क्या है, रमजान माह की 27वीं तारीख। आपको पता है रमजान माह में हम क्या करते हैं, रोजे रखते हैं ना, जो मीठी ईद के टाइम मैंने आपको बताया था रोजे से रोज खाने वाली चीज़ हो जाएगी तो मीठी ईद याद हो जाएगी। तो रमजान माह की 27वीं, इसकी 27वीं तारीख को सबे कद्र मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन क्या उतारा गया था, कुरान उतारा गया था, कद्र से कुरान पढ़ सकते हो, इस दिन कुरान उतारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है चहलम। तो चहल पहल का बोलते जब हम कहीं घूमने जाते हैं, किसी सफर में जाते हैं तो हम घूमने जाते हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि चहलम क्या है, सफर महीना, तो सफर मास की 20वीं तारीख को। और बेसिकली क्या होता है, जो मुहर्रम होता है उसके 40 दिनों के बाद सफर मास की 20वीं तारीख को मनाया जाता है, 40 दिनों के बाद सफर मास स्टार्ट हो जाता है, फिर उसकी 20वीं तारीख को चहलम मनाया जाता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि मुहर्रम के 40 दिन के बाद 40 का आधा 20 कर दो, तो सफर मास की 20वीं तारीख को चहल पहल जो होती है हम घूमने जाते हैं, तो ठीक है सफर मास की 20 तारीख को। अब सब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कौन से सन में हुआ था और कौन से माह में हुआ था, तो इसको आप याद कर सकते हैं कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म दिवस हिजरी सन के, हिजरी सन में आपको याद है मुहर्रम भी मनाया जाता है, हिजरी सन के जमाद उल्सानी माह की 8 तारीख को हुआ था। जमाद उल्सानी मतलब उल्सानी यानी उल्लास, तो जब ख्वाजा जी का जन्म सब उल्लास से भर गए थे, तो जमाद उल्सानी माह की 8 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना है इस पॉइंट को।